सबने कहा यह रास्ता बहुत मुश्किल है। सबने कहा इस जीवन काल में ये असंभव है। सबने कहा यह लड़ाई जीती नहीं जा सकती, लेकिन सिर्फ केसीआर को विश्वास था और उन्होंने इसे संभव कर दिखाया और कर दिखाया कमाल। दशकों तक संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर अधिकारहीन रहने के बावजूद तेलंगाना की जनता कभी पीछे नहीं हटी। उसने अपनी पहचान, समान अधिकारों, संसाधनों और अवसरों के लिए लड़ाई जारी रखी और आखिरकार एक शक्तिशाली जन आंदोलन और जनता के अपने केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तेलंगाना राज्य हासिल किया। दो जून 2014 के चंद्रशेखर राव ने नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने नेनु। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना के लोगों के लिए एक नई पहचान, एक नई आशा और एक नया सवेरा लाने के अपने वादे को पूरा कर दिखाया। अब तेलंगाना को नए सिरे से बनाने की जरूरत है, तेलंगाना को पुनः विकास की जरूरत है। नई सरकार को विरासत में मिले थे तेलंगाना के गंभीर संकट, भयंकर सूखा, किसानों और हथकरघा बुनकरों की आत्महत्याएं, सिंचाई और पीने के पानी की कमी, लाखों लोगों का पलायन, बिजली की अंतहीन कटौती, अनिश्चितता, व्यय से भरा बजट और वित्तीय स्थिति में मंदी। नया राज्य और उसकी युवा सरकार इन अंतहीन समस्याओं से घिरती जा रही थी। हर प्रमुख क्षेत्र में सुधार और तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में केसीआर ने तेलंगाना के लिए स्वर्ण युग का सपना देखने की हिम्मत की। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में नंबर एक पर आने के लिए केसीआर ने दूरदर्शिता और गतिशील नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य को सबसे ऊपर उठाने के लिए एक रोशनी दिखाई और पहले दिन से ही भारत के सबसे युवा राज्य ने भारत की सबसे क्रांतिकारी सफलता की कहानी बनने के लिए पूरे हौसले के साथ सभी कठिन रास्तों पर अपने कदम बढ़ा दिए। तेलंगाना राज्य ने 450 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें किसी को भी अनदेखा नहीं किया गया है। आसरा ये एक पेंशन योजना है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, अकेली महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों को 2016 रुपए और दिव्यांगों को 3016 रुपए दिए जाते हैं। आसरा योजना उन्हें आर्थिक संकट से बचाकर आत्मसम्मान से जीवन जीने में मदद करती है। तेलंगाना भारत का एकमात्र राज्य है जिसने दो बेडरूम आवास योजना शुरू की है। इस योजना में बहुमंजिला इमारतें बनाई गई। इनमें दो कमरों के मकानों को गरीबों और जरूरतमंदों को 100% सब्सिडी पर आवंटित किया गया। अब तक करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो बेडरूम वाले 3 लाख से अधिक मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य में दलितों की समस्याओं को हल करने के लिए दलित बंधु योजना की एक शानदार शुरुआत की है। इस योजना में प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है जो वापस नहीं करनी होती, और उन क्षेत्रों में जहां सरकार लाइसेंस जारी करती है आरक्षण दिया जाता है, जिससे उनमें वित्तीय सुरक्षा की भावना और बेहतर भविष्य की आशा जगती है। आर्थिक लाभ के अलावा सरकार ने किसी भी विपत्ति की स्थिति में लाभार्थी की सहायता करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में एक कोष भी बनाया है। SC ST उद्यमियों के विकास और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ
तेलंगाना सरकार ने डीप राइड योजना की शुरुआत की, जिसमें दलित उद्यमियों के तेजी से विकास के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए। बाल विवाह को रोकने और लड़कियों के परिवारों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजना की घोषणा की, जो भारत में अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना में परिवारों को अपनी बेटियों की शादियों के लिए 1,116 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक इस योजना ने 11 लाख से अधिक परिवारों को कर्ज से बचाया है। तेलंगाना के सभी क्षेत्रों में बीड़ी बनाने जैसे छोटे उद्योगों के कारीगरों और दैनिक मजदूरों सहित संघर्षरत समुदायों के उत्थान के लिए अपनी तरह की पहली कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। भेड़ पालन करने वाले लोगों के लिए भेड़ वितरण अभियान जैसे प्रोत्साहनों ने लोगों का दिल जीत लिया है। सिरिसिला जैसे स्थानों के बुनकरों को संकट से निकाला गया है। पूरे तेलंगाना में बड़े पैमाने पर उत्थान की कहानियां सामने आ रही हैं। एक ऐसे नेता के नेतृत्व में जिसने जैसा बोला वैसा करके भी दिखाया। पीने के पानी के क्षेत्र में एक क्रांति, मिशन भगीरथ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है, ताकि तेलंगाना के हर घर को नल उपलब्ध कराया जा सके और हर व्यक्ति को मिले साफ, सुरक्षित और प्रचुर मात्रा में पीने का पानी। ये विभिन्न आकारों में पाइपलाइनों का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो 2,00,000 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। एक शौंका देने वाली लंबाई जो 5 बार पूरी दुनिया को नाप सकती है। 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला मिशन भगीरथ पूरे राज्य में प्रतिदिन 3,000 मिलियन लीटर सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करता है। देश में पहली बार तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने नागरिकों के हर घर में पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराया है। मिशन भगीरथ ने राज्य में फ्लोराइड मुक्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा के भारत में इतिहास रचा है। तेलंगाना अब केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के साथ ही साथ देश की 11 राज्यों के सरकारों के लिए एक रोल मॉडल है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं तेलंगाना की सरकार का कि एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पीने का पानी लेने के लिए किसी गरीब को, मां को और बेटी को बाहर जाना पड़े। जब तेलंगाना की पहली सरकार ने कार्यभार संभाला तो राज्य बिजली की गंभीर कटौती से जूझ रहा था। नवगठित राज्य में बिजली आपूर्ति क्षमता कम, अनियमित और अनुपातहीन थी। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की। विभिन्न क्षमताओं के सैकड़ों सबस्टेशन युद्ध स्तर पर बनाए गए और राज्य डिस्कॉम को अधिकार दिया गया। इन कदमों ने राज्य को विद्युतीकृत किया। राज्य गठन के 200 दिनों के भीतर केसीआर ने 24 घंटे बिजली पूर्ति का वादा पूरा किया। तेलंगाना में आज कहीं भी बिजली कटौती नहीं होती है और तेलंगाना एकमात्र भारतीय राज्य है जो सभी क्षेत्रों को 24 घंटे हर दिन उच्च गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति करता है। 2014 में स्थापित बिजली क्षमता 7,600 मेगावाट से बढ़कर मात्र 7 साल में यानी 2021 में 17,305 मेगावाट हो गई है और 2023 तक तेलंगाना अपनी कुल बिजली क्षमता को 25,000 मेगावाट के प्रभावशाली लक्ष्य तक पहुंचा देगा। केसीआर के दूरदर्शी नेतृत्व में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के साथ इसे हासिल किया जाएगा। सात हजार छह सौ मेगावाट से 25,000 मेगावाट, इतने कम समय में 18,000 मेगावाट बिजली की बढ़ोतरी, भारतीय विद्युत क्षेत्र के इतिहास में इतनी बड़ी उपलब्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। आज प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के मामले में तेलंगाना देश में सबसे आगे है। यह सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट वृद्धि का एक विश्वसनीय संकेत है।
केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भी पूरी शक्ति से गतिशील है। तेलंगाना अपनी सोलर पावर क्षमता को भी तेजी से बढ़ा रहा है। इसकी सोलर पावर की स्थापित क्षमता केवल 6 वर्षों में 50 गुना बढ़ गई है। 2014 में मात्र 70 मेगावाट से ये 2021 में 4478 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। आज का तेलंगाना पूरे देश के लिए भविष्य के विद्युत विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। राज्य के गठन से पहले इसकी सिंचाई क्षेत्र की स्थिति दयनीय थी। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सरकार ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए साहसिक कदम उठाए। 7 साल में सिंचाई क्षेत्र में 1,28,000 करोड़ रुपए की विशाल खर्चे की वृद्धि की गई है। ये सब कैसे हुआ? मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर पहले से चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ साथ उन्हें आधुनिक बनाने की रणनीति के लिए बातचीत के सत्र आयोजित किए। इस तरह सभी परियोजनाओं में जैसे नई जान आ गई। सरकार ने सिंचाई क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। राज्य की आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई परियोजनाओं की पुनर्रचना और पुनर्अभियांत्रिकरण के लिए कई साहसिक योजनाएं बनाई। पालामुरु रंगारेड्डी और सीतारामा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं, देवादुला लिफ्ट सिंचाई योजना और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना। कालेश्वरम मल्टीस्टेज लिफ्ट सिंचाई योजना दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। गोदावरी के पानी को 90 मीटर से 618 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए एक नए रूप से निर्मित की गई विशाल परियोजना, जिसने तेलंगाना की प्यासी भूमि तक पानी पहुंचाने का दुष्कर काम पूरा किया। एक समय असंभव लगने वाली कालेश्वरम मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई योजना तेलंगाना सरकार द्वारा हासिल की गई एक ऐसी बेमिसाल उपलब्धि है, जिसके तहत गोदावरी नदी पर 3 बैराजों के साथ 20 मेगा वॉल्यूम वाटर लिफ्ट, 22 पंप हाउस, 20 तालाबों, सुरंगों, पाइपलाइनों और नहरों का लगभग 2000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क सब कुछ सिर्फ 36 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। ये परियोजना 45 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करेगी और ये 2 फसलों के लिए पानी देगी। इसका मतलब है कि 90 लाख एकड़ जमीन सोना उगलेगी। इसके साथ ही सरकार ने मिशन काकतीया भी शुरू किया। 11वीं सदी के काकतीया राजवंश के छोटे सिंचाई टैंकों और जल निकायों के तरीकों को 21वीं सदी में दोबारा अपनाया। बेकार पड़े 46,531 मौजूदा टैंकों को साफ किया गया और 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। मिशन काकतीया को तेलंगाना के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए नव निर्मित किया गया, ताकि राज्य की हर कृषि योग्य भूमि तक पानी पहुंचे, पशुओं की देखभाल हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। तेलंगाना सरकार के अविश्वसनीय योगदान से सिंचाई क्षेत्र में 2014 से 2021 तक 119% की वृद्धि हुई है। तेलंगाना में पानी की वृद्धि से मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा मिला, जिससे आज तेलंगाना भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में प्रथम स्थान पर है। तेलंगाना के कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आया उन नए सुधारों के कारण, जिनका लक्ष्य है न केवल किसानों की परेशानी को कम करना बल्कि उन्हें अधिक सशक्त बनाना, जिससे किसान अपना भाग्य खुद बदल सके। ये सब संभव हो पाया क्योंकि इस सरकार में वादों को पूरा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जिसमें विचार मंथन और योजनाओं में सभी लोगों को भागीदार के रूप में शामिल करना और कृषि सुधारों की विस्तृत योजनाओं को लागू करना था,
जो देश में पहले कभी नहीं हुआ। आज तेलंगाना में किसान मंच योजना में 5000 एकड़ क्षेत्र के प्रत्येक खेत को एक समूह के अंदर संरक्षित किया गया है, जो एक कृषि विस्तार अधिकारी के अंतर्गत रखा गया है। कुल 2601 समूहों के साथ ये भारत के लिए एक नया सिद्धांत है। किसान मंच एक पुल है किसानों और कृषि विस्तार अधिकारियों के बीच। यह किसान की वित्तीय, खेती और पशुपालन से जुड़ी समस्याओं के लिए बेहतर समाधान उपलब्ध कराता है। किसान बीमा योजना किसी भी दुखद और अप्रत्याशित घटना के लिए 100% प्रीमियम देने वाली बीमा योजना है। किसान बंधु योजना जिसमें रबी और खरीफ की फसल के लिए हर साल 100% निवेश इनपुट सब्सिडी के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपए की गैर वापसी आर्थिक मदद दी जाती है। तेलंगाना की किसान बंधु योजना भारत सरकार की पीएम किसान योजना के लिए एक रोल मॉडल है। पिछले 7 वर्षों में सरकार ने इन सुधारों को लागू करने के लिए 50,448 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्हीं की बदौलत तेलंगाना का किसान अब आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा है। आज किसान नवीन और वैज्ञानिक कृषि विधियों जैसे सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, फसल परिवर्तन, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस आदि को अपने प्रयोग में शामिल कर रहे हैं। वे नई किस्मों की फसल उगा रहे हैं और अपने खेतों का मशीनीकरण कर रहे हैं और इन सब के प्रभाव से हो रहा है बदलाव। कृषि के लिए 24 घंटे मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली बिजली भारत में पहली बार, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिना किसी टैक्स के कृषि के लिए पानी। कपास उत्पादन में तेलंगाना प्रथम स्थान पर है। 35 लाख से अधिक किसानों पर 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज माफ किए गए। 2018 में कई दशकों में पहली बार तेलंगाना में किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। कृषि क्षेत्र के उत्पादन में 8 गुना वृद्धि देखी गई। 15वें वित्त आयोग ने भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण में तेलंगाना राज्य को दूसरे स्थान से सम्मानित किया। भारत में पहली बार तेलंगाना ने बीजों का ऑनलाइन प्रमाणन शुरू किया। आज तेलंगाना के किसान धान उत्पादन में नंबर 1 बनने के लिए पंजाब को प्रतियोगिता दे रहे हैं। इसमें से कुछ भी केसीआर के नेतृत्व के बिना संभव नहीं हो सकता था, जो अपने लोगों की भलाई के लिए 24 घंटे कार्यरत हैं। तेलंगाना ने जिन प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है उनमें से एक है स्वास्थ्य सेवाएं। कंटी वेलुगु, दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र जांच शिविर, जो निशुल्क आंखों की जांच से लेकर फ्री चश्मे और सर्जरी, आंखों की देखभाल और गंभीर नेत्र रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए 2018 से अब तक करीब 3.5 करोड़ की आबादी तक उपचार पहुंचा चुका है। नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के साथ हर मोहल्ले में भी व्यापक बदलाव आ रहा है। बस्ती दवाखाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक ऐसा नेटवर्क है जो शहर की हर बस्ती में गरीबों की सेवा में उपलब्ध है। 350 बस्ती दवाखाना मुफ्त परामर्श, दवाएं और विभिन्न टेस्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। आम जनता तक कुशलता और जल्दी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का श्रेय इसी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को जाता है और सबसे ज्यादा फायदा तेलंगाना की महिलाओं को हुआ है। मां की गोद कार्यक्रम, जिसमें 300 एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करती हैं। एम्बुलेंस उन्हें घर से लेकर आती है, अस्पताल में मुफ्त परीक्षण और जांच प्रदान करवाती है और उन्हें घर वापस छोड़ देती है। स्वास्थ्य लक्ष्मी योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ साथ शिशुओं की भी देखभाल करती है, उन्हें कुपोषण से बचाती है और उनके संपूर्ण पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। यह कार्यक्रम नियमित और संतुलित भोजन प्रदान करता है
ये 19 लाख से अधिक स्तनपान कराने वाली माताओं, 5 लाख से अधिक शिशुओं और 25 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं तक पहुंच चुका है। और ये सब यहीं खत्म नहीं होता। गर्भवती माताओं को एक बालक के जन्म के लिए 12,000 रुपए और एक बालिका के लिए 13,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। KCR किट के सहयोग से जन्म के बाद भी परिवार का ख्याल रखा जाता है। सभी गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यक 16 वस्तुओं का विशेष उपहार। ये किट नए माता पिता के लिए बहुत लाभकारी है, खासकर उनके लिए जिनके पास खुद सामान खरीदने के साधन नहीं है। इन योजनाओं के कारण आज तेलंगाना में कुल संस्थागत प्रसव 98% और 100% टीकाकरण शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का हो रहा है। और राज्य में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के परिणाम भी बेहतर होते जा रहे हैं। जब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सबको समान रूप से मिलती है, तब ये पूरे समाज के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। तेलंगाना एक राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ अपनी अगली पीढ़ी के लिए सुनिश्चित कर रहा है कि उनका भविष्य उज्जवल हो। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा का लाभ मिले। शिक्षा प्रणाली के निम्न स्तरों में किए गए सुधारों के माध्यम से जनता को किए इस वादे को पूरा किया जाता है। सन 2014 में जब तेलंगाना राज्य बना, तब यहाँ केवल 300 आवासीय स्कूल थे। 2021 तक लगभग 1000 आवासीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, 3 गुना वृद्धि, जिसे कोई अन्य राज्य इतने कम समय में हासिल नहीं कर पाया। 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के निर्धारित बजट के साथ अपना गांव अपनी पाठशाला एक क्रांतिकारी योजना है। इससे तेलंगाना के ग्रामीण और शहरी इलाकों के 26,000 से अधिक स्कूलों को डिजिटल किया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लाते हुए इससे लगभग 20 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। आज आवासीय शिक्षा प्रणाली, आवासीय विद्या में तेलंगाना देश में प्रथम स्थान पर है। 6,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष के कुल बजट के साथ प्रत्येक छात्र पर सालाना 1,25,000 रुपए खर्च करते हुए 5 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हो रहा है। राज्य विदेशों में उच्च अध्ययन करने के लिए प्रति लाभार्थी को 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। सरकारी स्कूलों के मानक स्तर तक आने से इनके छात्र अब महंगे निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उनसे आगे भी निकल सकते हैं। तेलंगाना के स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भारी कमी देखी गई। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ तेलंगाना की प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी आसमान छू रही है, लेकिन अवसर के बिना प्रतिभा विकसित नहीं होती। यही कारण है कि तेलंगाना उद्योग और व्यापार में खूब विकास कर रहा है। व्यापार करने की आसानी, एक छोटी सी बात जो बड़े मायने रखती है, तेलंगाना में ये कथन सिर्फ एक नारे से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये निवेश लाता है और उद्यमिता की भावना को जगाता है। तेलंगाना राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी TSI पास, TSB पास और धरणी पोर्टल इस योजना को शक्ति प्रदान करते हैं। कम निरीक्षण और अधिक सुविधा के लिए रचा गया TSI पास एक ऐसी तेज प्रक्रिया है जिस द्वारा 15 दिन के भीतर अनुमति दी जाती है। आज तेलंगाना में 20,000 उद्योग हैं, जिन्हें तेलंगाना राज्य औद्योगिक नीति की ओर से मंजूरी दी गई है। तेलंगाना आइए, तेलंगाना में निवेश कीजिए, आओ मिलकर बढ़ें। केवल 7 साल में तेलंगाना के इन उद्योगों में 2,32,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। इसमें आश्चर्य नहीं कि बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, विशेष रूप से IT में तेलंगाना और हैदराबाद की ओर रुख कर रही हैं।
स्टार्टअप्स के लिए हैदराबाद तेजी से पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। आज यहां 6,600 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, उनमें से कुछ $1 बिलियन मूल्यांकन या यूनिकॉर्न स्टेटस प्राप्त करने के करीब हैं। 14% की वृद्धि के साथ 2021-22 में आईटी का निर्यात 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन तेलंगाना सरकार के लक्ष्य और भी ऊंचे हैं। अगले 3 साल में ये लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का है। हैदराबाद की जीनोम वैली विश्व की वैक्सीन राजधानी है। वैश्विक टीकों का 33% उत्पादन जीनोम वैली में ही होता है और जल्द ही शोध एवं विकास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा उद्योग हैदराबाद में आ रहा है। इससे 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करने और लगभग 5,60,000 लोगों के लिए रोजगार की उम्मीद है। यह प्रगति सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि तेलंगाना के हर गांव में हो रही है। भारत में किसी भी अन्य राज्य के अलग ग्रामीण विकास के लिए तेलंगाना के नेतृत्व की प्रशंसा करनी चाहिए, जो गांव के बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखता है। तेलंगाना में 12,769 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत एक उदाहरण है। पल्ले प्रगति, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन में सुधार के लिए। पल्ले प्रकृति वनम, हर गांव में एक प्राकृतिक उद्यान है जिसमें भिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पल्ले दवाखाना, हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। पक्के घरों और गलियों में रोशनी की समुचित व्यवस्था। हर गांव में हरियाली बढ़ाने के लिए एक नर्सरी है। हर गांव में विकास कार्यों के साथ साथ कचरा इकट्ठा करने के लिए ट्रैक्टर है। सभी दैनिक जरूरतों के लिए एक बाजार। हर गांव में अत्याधुनिक शमशान और अंतिम संस्कार सेवाएं हैं। वैकुंठ धामम, केवल 7 वर्षों में पहली बार भारत के किसी राज्य ने सभी सुविधाओं का रुख एक साथ गांवों की ओर मोड़ दिया है। तेलंगाना का हरिताहारम भारत में सबसे बड़ा वृक्षारोपण और वनीकरण अभियान है, जो दुनिया में केवल ब्राजील और चीन के बाद 3rd स्थान पर है। ये पूरे राज्य में 24% से 33% हरियाली बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना है। इसके तहत राज्य भर में 242 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। 21वीं सदी की हरित क्रांति को चलाने के लिए ग्रामीण स्तर पर नर्सरी बनाकर इस अभियान में राज्य के लोगों को शामिल किया जा रहा है। आम आदमी को साथ लेते हुए हरिताहारम योजना ने बड़ा संदेश दिया है कि सरकार जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमेशा आगे है। हैदराबाद जैसे शहर में केवल अवसर ही नहीं मिलते बल्कि अच्छा जीवन जीने की आजादी भी मिलती है। तेलंगाना ने सड़कों और पुलों के लिए 7,000 करोड़ रुपए की राशि से शहरों के विकास को गति दी है। इसके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बजट का 10% हरित बजट के रूप में रखा गया है। आज तेलंगाना गर्व के साथ दावा कर सकता है कि उसके पास कानून और व्यवस्था का सबसे अत्याधुनिक ढांचा है। शीटी में विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतर्क, आधुनिक और उच्च तकनीक वाला पुलिस सिस्टम, हाईटेक उपकरणों से लैस पुलिस की गाड़ियां। देश में पहली बार प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाने को मासिक पुलिस थाना रख रखाव फंड और जोखिम भत्ते के रूप में यातायात पुलिस को 30% अतिरिक्त वेतन। हाईटेक वर्ल्ड क्लास पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर। राज्य सरकार ने तेलंगाना के भव्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्कृतियों
और सभी धर्मों के त्योहारों को मनाने के साथ सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया है। राज्य के प्रमुख त्योहारों में से एक बथुकम्मा फूलों का त्योहार है, जिसे तेलंगाना की महिलाओं द्वारा दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यादाद्री तेलंगाना में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर विश्व के एक अनूठे आध्यात्मिक केंद्र के रूप में नव निर्मित किया गया है। गुलाबी रंगों ने यहाँ के जीवन के हर पहलू को छुआ है। केवल 7 वर्षों में तेलंगाना का बदलाव शेष भारत के लिए प्रेरणा बना है। 7 वर्षों में भारत के सबसे युवा राज्य ने साबित कर दिया है कि प्रभावशाली शासन ही प्रगति का एकमात्र मार्ग है। अच्छी योजनाएं और लोगों के अनुकूल प्रशासन दोनों के मेल से ये जीत संभव हुई। तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी से अधिक हो गई है। 2014-15 में 1.24 लाख रुपए से बढ़कर 2021-22 में 2.78 लाख रुपए। तेलंगाना का सकल घरेलू उत्पाद 128% बढ़ चुका है। 2014-15 में 5.06 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 11.55 लाख करोड़ रुपए। आज राजनीतिक गलियारे के दोनों ओर तेलंगाना के इस कदम की तारीफ हो रही है। भारत सरकार के नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक ने तेलंगाना को एक उच्च आर्थिक प्रदर्शक के रूप में घोषित किया है। तेलंगाना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने वाला भारत का शीर्ष राज्य है। तेलंगाना के 7 गांवों को भारत की सांसद आदर्श ग्रामीण योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया और 19 गांवों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। सिर्फ 7 साल में तेलंगाना ने खुद को देश और दुनिया के सामने विकास के एक मॉडल के रूप में साबित किया है। भारत के सबसे वंचित राज्यों में से एक रहे तेलंगाना की तरक्की और राष्ट्रीय मंच पर शीर्ष प्रदर्शन आश्चर्यचकित करने वाले हैं। ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। जिस तरह के विकास का हम सपना देखते हैं वो अब दूर नहीं। हम में साहस है सपने देखने का और हम एक साथ मिलकर इन सपनों को साकार करेंगे।